है जिसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे सर्वे के दौरान अजीबोगरीब सांप मिला। एक सर्वे के दौरान गंगा में दुर्लभ प्रजाति साइबोल्ड स्मूथ सील्ड वाटर स्नेक नाम का सांप 70 साल बाद यूपी के बिजनौर जनपद के इंद्राघर के पास दिखा है। सर्वे टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिक एसए हुसैन ने बताया कि ये सांप गंगा की जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके मिलने से इतना तो तय है कि गंगा की बिगड़ती जैव विविधता को फिर से स्थापित किया जा सकता है। सर्वे टीम में रिसर्चर आफ्ताब आलम उस्मानी, नरेंद्र मोहन, गौरा चंद्रदास और बिदुपन बरुआ शामिल हैं। हुसैन ने बताया कि 570 किलोमीटर के सर्वे में स्मूथ कोटेड ऑटर ऊदबिलाव की भी खोज की गई, लेकिन कई सालों से गंगा में विलुप्त हो चुकी ये प्रजाति इस सर्वे में भी नहीं मिली। इसके अलावा गंगा के आसपास टापू में रहने वाली पक्षियों की कुछ प्रजातियां भी इस सर्वे में पाई गई हैं। अभी कानपुर से सुंदरवन तक भी सर्वे किया जाना है, जिसमें डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव